हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी के ट्रक ड्राइवर ब्लॉग से एक नए से वीडियो में। दोस्तों सुबह सुबह की आप सभी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का टाइम 8 बज चुका है और भाई आ गए हैं। अगर लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो भाई मतलब अभी सिन्नर में कल थे और रात में भाई आ गए थे यहाँ पे 12-1 बजे करीब, 2 बजे भाई यहाँ पे आए हुए हैं अपने कंपनी में। और भाई आज करेंगे हम वाइन लोड, मतलब शराब लोडिंग करेंगे भाई यहाँ से सिलवास या दमन के लिए। तो देखते हैं, अभी तो लोडिंग मतलब 8:30 बजे के बाद से एंट्री होती है यहाँ पे कंपनी में। तो देखते हैं भाई एंट्री कब होती है और कहाँ की लोडिंग होती है, पूरा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। और फिलहाल देख लो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी आई है तो आपको बैक कैमरा से व्यू दिखाऊँगा। तो आप इन्जॉय कीजिए वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। अभी फिलहाल दोस्तों जा रहे हैं खाना बनाने का जुगाड़ करने के लिए फटाक से, और उससे पहले भाई स्नान वगैरह करेंगे यहाँ पर। और भाई यहाँ का किस ये सीन देख लो, अभी गाड़ियाँ पूरी भर गई, रात को आए थे उतनी गाड़ियाँ थी नहीं, अभी भी भाई खाली ही है पार्किंग जोन। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ देखो दोस्तों, वो रही सर दोस्तों वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है कोने में सबसे लास्ट में जो दोस्तों दिख रही है। तो गाइस अभी 9:30 हो चुका है सुबह सुबह का और भाई जा रहे हैं पेपर लेके एंट्री करवाने के लिए कंपनी में लोडिंग के लिए। भाई खाना पीना भी बना रहा था, जैसे ही खाना पीना बना के बैठा मतलब बन ही रहा था तो ट्रांसपोर्टर का कॉल आ गया कि जाके एंट्री कराओ। तो चलो भाई वो एंट्री करवाते हैं, उसके बाद लोडिंग करते हैं फटाक से। लोडिंग करने के बाद दोस्तों आके इसी गोडाउन में, क्योंकि भाई रात को यहाँ से निकलते हैं ना, छोड़ते हैं, तो रात को उस टाइम पे लोडिंग करने के बाद दोस्तों स्नान वगैरह करेंगे यहाँ पर। वो ऐसे भी सुबह सुबह यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम रहता है, पानी सुबह सुबह नहीं रहता है। चलो चलते हैं भाई एंट्री करवाने के लिए। मुकाबले बहुत कम गाड़ी आ रही है इधर दोस्तों। बहुत कम नहीं, तो पहले पूरा गोडाउन भरा जाता था यहाँ से वहाँ तक। पहले ही जैसा नॉर्मल सा यहाँ पे दिन हो रहा है, अभी गर्मी तो थोड़ा बहुत पड़ ही रही है, ठंडी थोड़ी थोड़ी लग रही है भाई रात में यहाँ पे आने के बाद। नहीं तो भाई जहाँ कल सिन्नर में खड़े थे वहाँ पे वो तो बहुत हार्ड गर्मी थी भाई। पता नहीं यहाँ पे भाई ठंडी का मौसम कब आएगा, मौसम चेंज होता रहेगा तो अच्छा रहेगा, बिकॉज़ भाई कपड़े बहुत ला दिए हैं गाँव से कि भाई सर्दी आ गई है, इसीलिए मतलब कपड़े बहुत इकट्ठे करके ला दिए हैं। गाड़ी में स्पेस भी नहीं बचा है, हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी लेकिन भाई ठंडी उतना खास पड़ नहीं रही है। और यही सीन है भाई, अभी तो अपने बिहार में भाई बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही होगी शायद। भाई यहाँ का व्यू देखो, गायें चल रही हैं यहाँ पे सभी, यहाँ पे भाई खेती है नासिक खेत जो अपना फॉर्म का। भाई 3-4 वीडियो 5-6 वीडियो भाई यहाँ का किया हुआ सूट में। तो ये कंपनी का जो दोस्तों रहती है ये का पार्किंग है, पार्किंग जोन, और कंपनी आगे है करीब 100 मीटर या 200 मीटर के दूर में आगे भाई कंपनी के पास। परनोड इंडिया, परनोड रिचार्ज इंडिया करके भाई कंपनी है, वाइन की कंपनी, डिंडोरी के अंदर भाई नासिक में परनोड रिकार्ड इंडिया नासिक प्लांट। चलो भाई एंट्री करवाते हैं अपन, 10:30 होने वाला है सुबह का और लोडिंग हो गई स्टार्ट। भाई एंट्री करवा लिए, एंट्री करवाने के बाद भाई लोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है वाइन की बोतल लोडिंग। चलो देखते हैं कब तक लोडिंग होती है। 3-4 दिन से भाई आप लोगों को वीडियो में भाई आवाज़ स्लो आ रहा होगा क्योंकि भाई मतलब नींद पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अंदर का कुछ ये रहा व्यू भाई, देख सकते हो सभी गाड़ियाँ लोडिंग हो रही है। सो दोस्तों फाइनली अभी गाड़ी हो गई दोस्तों लोडिंग, बहुत ज़्यादा कम टाइम लगा लोडिंग करने में, भाई 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे लगा। अभी तो भाई खाना भी नहीं किए हैं, पार्किंग में जाके स्नान वगैरह करके ही दोस्तों खाना पीना करेंगे। चलो यहाँ से ये रहा दोस्तों अपना पार्किंग, और पार्किंग के अंदर आने के बाद दोस्तों देखो पूरा पार्किंग है, पूरा दोस्तों गाड़ी खाली हो गई है। कितनी गाड़ियाँ दोस्तों लोडिंग के लिए आती है, कितनी अनलोडिंग के लिए आती है, यही सीन था भाई। सुबह में दिखे तो कितना मतलब भरी हुई थी गाड़ियाँ, अब दोस्तों शाम तक गाड़ी भर जाएंगे यहाँ पे। दोपहर का 12:30 और भाई जा रहे हैं स्नान करने के लिए बिकॉज भाई भूख लगी है, खाना खाने का मन भी नहीं करता यार बिना स्नान किए, क्योंकि भाई 500 दिन से फिर कपार में भाई सर में ना सर में दर्द हो गया है बिना स्नान किए। चलो स्नान करते हैं, उसके बाद दोस्तों खाना जो बनाया उसको दिखाएँगे और खाएँगे। अपन तो आगे भाई बाथरूम के अंदर जो कंपनी प्रोवाइड की है भाई, इसमें पानी होने का व्यवस्था अवेलेबल है। चलो स्नान करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो दोस्तों अभी तो स्नान वगैरह हो गया यार, 1 बजने वाला है, अभी पापा गए स्नान करने के लिए, उसके बाद दोस्तों खाना पीना करेंगे। माल तो लोडिंग करके भाई कंप्लीट है लेकिन भाई रात को 2 से 3 बजे यहाँ से निकलेंगे,
दो तीन गाड़ियाँ साथ में जाएंगी, दो तीन गाड़ियाँ वही की लोडिंग हुई है, सरकारी माल है दोस्तों, ये सरकारी गोडाउन में जाएगा सिलवास पे। और इसका भाड़ा दोस्तों 20,000 रुपये लगा है, 20 टन माल है, 20,000 रुपये लगा है। करीब भाई 200 से 250 किलोमीटर के आसपास जाना है हमें, तो इतना ही भाड़ा लगा है भाई। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, जो भी है वीडियो साथ बने रहिएगा। और ये रहा दोस्तों आज का हमारा दाल चावल सब खाना, और ये भाई करेले की भजिया बनाए हैं, इसमें भाई डाले हैं अपना लौकी की सब्जी। दोस्तों अभी खाना पीना करके अब आराम से भाई सो गए थे, सोने के बाद भाई उठे, उठने के बाद भाई आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो भाई एक प्रॉब्लम हो गई है यार, पापा का भाई कमर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसलिए भाई आए थे इधर दवा खोजने के लिए भाई। एक तो कंपनी बाहर ही है गाँव से, यहाँ पर भाई कोई मेडिकल वगैरह कुछ नहीं था। गांव वाले ने बताया भाई, जो दुकान वाले थे वो बताया कि भाई कंपनी के अंदर दवा मिल जाता है, बोलने पर ये प्रॉब्लम है। पापा को उतना दूर भाई पैदल भी नहीं ला सकते, उधर पार्किंग में खड़ी है गाड़ी अपनी, तो लोडिंग करके भाई गया, तो ड्राइवर वहां से भाई डॉक्टर से बोला तो दवा दे दिया यार, मतलब समझते हैं यार ड्राइवर लोगों की, जो जिसको भी प्रॉब्लम होती है, बड़ी कंपनी है भाई तो ये सब दवा दे देती है, अच्छी रही बात हमारे लिए, नहीं तो भाई लोडिंग करके गाड़ी खड़े हैं और बहुत ज़्यादा पेन करने लगा है भाई। रात को गाड़ी कौन चलाएगा जैसे भाई, और बहुत लंबा लंबा घाट पार करना है, यहाँ से पूरा घाट ही घाट है भाई, ज्वार होकर जाना है हमें रूट से। नासिक वाला तो भाई अपना रूट है, नासिक वाला तो हम भी पार कर जाते, लेकिन भाई वो ज्वार वाला रूट हमसे ना हो पाएगा भाई अभी, इसीलिए भाई प्रॉब्लम हो गई थी। और ये ले लिया भाई दवा, देखो दो दवा दिए हैं इसमें, और ये ले लिए भाई 4 अंडे, भाजी बनाएंगे आज शाम का दोस्तों, इसी का सब्जी। जैसे भाई प्रॉब्लम होती रहती है, क्या कर सकते हैं यार, ऐसे ऐसे जगह पर जाने के बाद भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो मेडिकल खोजते खोजते भाई परेशान हो जाते हैं अब बंदा। ये भाई सब ड्राइवर लाइफ की ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं भाई रिस्पेक्ट ड्राइवर्स, ऑल ड्राइवर्स, ऐसी कोई बात नहीं है कि अपना आदमी हो ही उनको ही बोलते हैं भाई, सबको बोलते हैं जो भी भाई ड्राइवर लाइन में है, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शाम का 7 बज चुका है और अभी भाई खाना बना रहे हैं, जो अंडा ला कर रहे थे दोस्तों, अंडा कढ़ी बनाएंगे आज सब्जी, और उसमें डाल देंगे दोस्तों चना दाल। तो चलो दिखाते हैं आपको खाना बना के, और उसके बाद खाएंगे, देखते हैं यहाँ से कब तक निकलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों अपना, इसको भाई उबाल दिए हैं, ये सब काट के रेडी है, इसमें दोस्तों है चना दाल, तो चलो बनाते हैं आराम से सब्जी। और ये दोस्तों ये रहा भाजी अपना बन रहा है रेडी दोस्तों, यही सब्जी चावल और रोटी भी बनाएंगे साथ में, और खाना बनाने के बाद दोस्तों खाएंगे, उसके बाद करेंगे इस ब्लॉग को ख़त्म। और यहाँ पे देख लो दोस्तों पूरी की पूरी गाड़ियाँ भाई ठचस ठस बढ़ गई है, कहीं को किसी और जाना है, कहीं को कहीं और जाना है, तो सभी गाड़ियाँ दोस्तों रात में निकल जाती है। तो चलिए कल के ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों।